मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 3 प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर कलेक्टर ने जिले के 3 स्कूलों को फीस बढ़ाने के मामले में पालकों को 30 दिन के अंदर फीस वापस करने के आदेश दिए। बता दें कि इन 3 स्कूलों में 2 स्कूल मिशनरी के हैं, जिसमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली, कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम शामिल है। दरअसल साल 2023-24 के सत्र की तुलना में 2024-25 के लिए फीस वृद्धि की जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जिले के 35 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें जिले के 3 विद्यालयों द्वारा 10% से अधिक फीस वृद्धि की गई है। जिसके बाद कलेक्टर ने आकाश के कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में लगभग 9 लाख रुपए, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल को लगभग 2 लाख रुपए और रामश्री किड्स स्कूल को लगभग 3 लाख रुपए वापस करने के आदेश दिए। वहीं कुछ स्कूलों की जाँच अभी भी जारी है। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग से ये निर्देश जारी हुए थे कि जो RTE का रूल्स बने हैं 2020 में, उसके तहत सभी स्कूलों को अपने फीस के स्ट्रक्चर के संबंध में एक नियत समय पर इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है और इसको पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत करना होता है। और कुछ स्लैब्स डिसाइड किए हैं उन रूल्स में कि किस लिमिट तक स्कूल्स अपने फीस को इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ तक की अनुमति उनके पास स्वयं है और किस लेवल के ऊपर यदि फीस इंक्रीज करते हैं तो उनको एक सक्षम स्तर से उस आशय की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो ऐसे स्कूल्स जो प्रतिवर्ष 10% से अधिक अपने स्कूल की फीस इंक्रीज करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, तो इसके संबंध में उनको एक जिला स्तरीय समिति को अपनी सूचना देनी होती है। उस सूचना के आधार पर बेसिकली जो यहाँ से एक टीम है वो ये एग्जामिन करती है कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरली किन कारणों की वजह से आपने फीस इंक्रीज किया है और उसके पीछे डेफिनेटली लॉजिक हो सकता है, स्कूल बेहतर सुविधा दे रहे हों, कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई नया फील्ड प्लेग्राउंड इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन देना, उसको पब्लिक डोमेन में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% से यदि अधिक इंक्रीज करते हैं और अगर इसकी सूचना नहीं देते हैं तो RTE में ऐसा प्रावधान है कि उनको सुनवाई का अवसर देते हुए।